यूपी के बांदा में आज सुबह शहर के नवाब टैंक में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में भय का माहौल व्याप्त है। जैसे कि घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकालते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं काफी मशक्कत के बाद पुलिस के द्वारा मृतक की शनाख्त पिंकू नाम के युवक के रूप में की गई। घटना की जानकारी के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत नवाब टैंक का है, जहां आज सुबह तालाब के पानी में शव तैरता हुआ मिला है। शहर से लगे इस तालाब में लोग प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। मेरा छिपानी के कहाँ रहते हैं आप? ये बताइए, ये किस दिन गोल हुआ था और क्या घटना हुई है? आज से तीसरा दिन है। ये जींस का पैंट, नीली वो बनियान, सैंडल पहने, घर से गुस्सा होकर निकला था। अब ये पता नहीं है कि कब और किस समय गिरा, कब और किस समय गिरा। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि जो है वहाँ पे बॉडी मिली है और आप ही का? इन्होंने बताया ना, इन्होंने बताया हमसे कि मतलब बॉडी वहाँ मिली और वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई मेडिकल कॉलेज में। तो हम आए हैं तो दो लड़के जो परिचित थे इन्होंने देखा है। जब उनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये कपड़े पहने हैं, हाथ में जूता भी है, तो ये हुआ कि यही है, यही है। मतलब आपको पूरी तरीके से बॉडी की पहचान हो गई है? बॉडी की पहचान लड़कों ने कर लिया कि वही लड़का है। हाँ, वही लड़का है। क्या ऐसे क्या कारण था कि जो है वो घर से, क्या किसी की उसके साथ कोई रंजिश थी या कोई विवाद कभी, मतलब किसी भी लड़के के साथ किसी? वो गुस्सा होके निकला था। किस बात में गुस्सा होके निकला था? घर से क्या बात हो गई? घर में आपस में पढ़ाई लिखाई के मामले में वो डांट वांट दिया था, तो उसी में गुस्सा हो गया। अच्छा, इसी को लेकर के जो है? हाँ, बस केवल यही बात थी। तो क्या इसके पहले भी कभी नवाब टैंक की तरफ घूमने आया कभी था? नहीं आया, अब कभी नहीं आया। इसे निकल जाता था वो, जैसे गांव वाँव गया अपने तो निकल गया, खत्री पहाड़ जाता था। मैं आश्रावास में रहती हूँ। आश्रावास कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पुलिस लाइन के पीछे। अच्छा, कौन थे आपके जो भैया? मेरा लड़का है। क्या नाम था इसका? इसका पिंकू नाम है। कितने साल का था? और ये 15-16 साल का है। 15-16 किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? कोई ऐसा मामला था क्या? लड़ाई दंगा? भैया मेरी किसी से दुश्मनी थी? अरे लड़के का किसी से लड़ाई दंगा? मुझे की कोई जानकारी नहीं थी कि दुश्मनी थी, थोड़ी यही सामने वाले से धुरपुट हो गई थी बस, और कुछ नहीं हुआ था। कब से गायब था घर से? ये सर संडे के दिन गायब हुआ है। संडे के दिन 12 बजे बता रहे हैं गांव के कि 12 बजे निकल रहा है। तो सर मैं ये देखती रही हूँ इसे, तो ये शाम के वक्त मुझे स्कूल के पीछे दिखाते, मैंने सोचा कि ये घर आ जाएगा तो मैं वहाँ नहीं गई। फिर इसके बाद भी आने में सगले ढूंढना शुरू। आज कोतवाली नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज चौकी अंतर्गत नवाब टैंक में एक 17-18 साल के बच्चे की डेड बॉडी तैरती हुई हालत में मिली। उसके शिनाख्त का प्रयास किया गया, बाद में उसकी शिनाख्त जो है पिंकू, जो काशीराम कॉलोनी सिविल लाइन क्षेत्र का रहने वाला था, उसके रूप में हुई। और उसका उसके बारे में जब उसके परिजन बताए कि ये करीब 2-3 दिन से घर से गायब था और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग था, फिलहाल उनके परिजन कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन एहतियातन उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।